हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, एसएससी फेज 10 सिलेक्शन पोस्ट 2022 रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो है उसका आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर दिख रहा होगा। और 12 मई यानी कल से आप देखेंगे कि जो एसएससी का है वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होने वाली है, एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले ही बताने वाला हूँ। जब एग्जैक्ट नोटिफिकेशन आएगा तो जो भी एडिशनल जानकारी होगी वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो शुरू करते हैं हम अपने आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। तो देखिए, ये था वो नोटिफिकेशन जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 1920 वैकेंसीज़ ये टेंटेटिव हैं, प्लस माइनस जो है जो एग्जैक्ट नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको पता चलेगा। देखिए, लास्ट टाइम जो है 3261 वैकेंसी थी, इस बार जो भी टेंटेटिव वैकेंसी दिखा रहा है तो यहाँ पर 1920 दिखा रहा है। हो सकता है कि ये वैकेंसी आपको 2000 के रेंज में कहीं आसपास दिखें। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, 9 रीजनल ऑफिसर्स हैं, ऑफिसिस होते हैं जो भी रेलवेज़ कह सकते हैं एसएससी के हैं, आप वहां पर इसको कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम जो है देखिए जुलाई या अगस्त 2022 में होने की पूरी पूरी संभावना है और 12 मई से लेके 13 जून तक आप ये एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो अब हम जानते हैं इस वीडियो में बाकी इसके रिगार्डिंग जो जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया 12 मई से लेके यहाँ पर 9 जून तक आपको इसके लिए अप्लाई करना है। एग्ज़ाम डेट जो है जुलाई अगस्त 2022, एग्ज़ाम रिटर्न होगा, ये गवर्नमेंट जॉब है। और ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.ssc.nic.in, जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए लास्ट ईयर जो है 3261 वैकेंसीज़ थी, लेकिन इस बार वैकेंसीज़ की संख्या थोड़ी सी यहाँ पर कम लग रही हैं एज़ पर शॉर्ट नोटिस। देखिए एज क्राइटेरिया, देखिए एज क्या होनी चाहिए, देखो एज ऑफ 1 जनवरी 2022, तो देखिए आपकी उम्र जो है 18 साल और 30 साल यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। जो आपका देखिए कोटा है एस सी एस टी 5 साल 3 साल वो यहाँ पर भी आपको मिलता रहेगा। एप्लीकेशन फ़ी क्या है, जनरल ओबीसी के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है। एस सी एस टी एक्स सर्विस मैन फीमेल और फिजिकली जो एक्सेप्ट हैं पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि भैया ये एग्ज़ाम होगा कैसे। तो देखिए दो प्रोसेस होते हैं यहाँ पर, एक तो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है आपका, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और यही इसका सिलेक्शन जो भी आपका रिटन एग्ज़ाम होगा उसी के मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब हम बात करते हैं देखिए एग्ज़ाम पैटर्न जो किस टाइप का होगा। तो देखिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 100 MCQ होंगे, देयर विल बी 100 MCQ फॉर 2 मार्क ईच, यानी 200 मार्क्स के आपका पेपर होगा। 60 कह सकते हैं मिनट्स यानी 1 आवर आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है 0.5 मार्क्स, यानी आधा मार्क्स आपको नेगेटिव है यानी 1/4, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। लेवल जो होगा जिस हिसाब की आपकी पोस्ट होगी, क्योंकि देखिए इसमें क्या है आप 10th लेवल पे भी पोस्ट निकलती हैं, 12th पे भी निकलती हैं और ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी निकलती हैं। तो देखिए आपका जो कह सकते हैं एग्ज़ाम का टफनेस लेवल है उसी आधार पर होगा। एग्ज़ाम 4 पार्ट में डिवाइड होगा सभी का। अगर मैं पार्ट एक ही बात करूँ तो वहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस होगी 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25-50, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स और इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल 100 क्वेश्चन हो गए आपके 200 मार्क्स के हुए और इसके लिए आपको ओनली 60 मिनट्स यानी 1 घंटा मिलेगा। अगर मैं बात करूँ देखिए पे स्केल की, तो देखिए पे स्केल बहुत अच्छा खासा पे स्केल है, 5200 से लेके अगर हम बात करें 34800, और देखिए जो रेंज है यहाँ पर 1900 से लेकर ग्रेड पे 4800 तक, यानी आप मान सकते हैं कि ये जो लेवल है आपका 10th का लेवल अलग होगा, 12th के लिए जो आधार पर वैकेंसी होगी उसका लेवल अलग होगा और जो ग्रेजुएशन बेस पर वैकेंसी होगी उनका लेवल अलग होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर ग्रेजुएशन एंड अबव पोस्ट की अगर बात करें, तो देखिए जो ये पोस्ट है यहाँ पर रिसर्च असिस्टेंट, केमिकल असिस्टेंट, गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड ए, जूनियर ग्राफिकल
असिस्टेंट, ये सब क्या है, आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट हैं। बाकी जब एग्जैक्ट नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको एग्जैक्ट दिखेगा कि इस पोस्ट के लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए, इतना एज चाहिए, लेकिन बेसिक जानकारी अभी यही है आपके लिए। हायर सेकेंडरी पोस्ट के लिए, अगर 10 प्लस टू के लिए इंटरमीडिएट की बात करूँ मैं, स्टोर कीपर, रेडियो टेक्नीशियन, कांस्टेबल फोटोग्राफर, फार्मासिस्ट, हेड कांस्टेबल। और वहीं अगर आप 10th के लेवल पर बात करें, जो वैकेंसी हैं MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, लश्कर, MT हेल्पर कांस्टेबल, मैकेनिकल, मेडिकल अटेंडेंट एंड MTS टेक्निकल। तो देखिए ये सारी वो जानकारी थी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। देखिए जो बच्चे SSC का एग्ज़ाम भरते रहते हैं उन सबको ये जानकारी होती है, लेकिन फिर भी बेसिक जानकारी प्रोवाइड कराना ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जैसे ही कल नोटिफिकेशन आता है, जो भी इससे रिलेटेड कुछ ऐसी क्वेरी बच जाती है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको भी कोई ऐसा डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।